नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आधार कार्ड का नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, जहां पे आप बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ कर सकते हैं। जैसे कि अपना पीवीसी आधार कार्ड है वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अगर आपको अपने आधार कार्ड में कुछ भी चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं, जैसे आपका जेंडर है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, इसमें भी आपको चेंजेस करना है, तो वो आप एक ही जगह से आप चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने जो है आधार कार्ड में चेंजेस आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद अपने यहाँ पर सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद इसको जो हम फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे सेंड ओटीपी किया, ओटीपी डाला, और ओटीपी डालते ही आप यहाँ पर जो है लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है अपना ओटीपी आया हो, ओटीपी जो अपना डाल देते हैं। तो ये हमारा ओटीपी आया हुआ है 8398 86। तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो आपको यहाँ पर जितनी भी आधार कार्ड की जो सर्विस हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। ये आप देख सकते हो, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार पीवीसी, अपडेट आधार, ऑनलाइन बैंकिंग स्टेटस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको जो है चेक करना हो अपने, अगर आपको यहाँ नीचे देख सको बैंकिंग स्टेटस नीचे, और कुछ वर्चुअल जनरेट आईडी जनरेट करनी है, लॉक लगाना है, अगर आपको ऑफलाइन केवाईसी के लिए फाइल डाउनलोड करनी है तो वो डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। तो इस पे आप जो है अपडेट आधार कार्ड के लिए आप यहाँ पर जो है अपना जो है आधार अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो अपना आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आप फ्लिप आधार पर कार्ड क्लिक करेंगे तो आपका बैक साइड जो है आधार कार्ड की शो हो जाएगी। तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हमको जो करते हैं क्लिक करते हैं वो अपडेट आधार ऑनलाइन। आप यहाँ पर जो किस तरीके से अपडेट करना है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया भी है कि आपको जो फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, और फोर्थ स्टेप क्या है, एंड फाइव और सिक्स कैसे क्या है। इसके लिए आपको जो चेंजेस होते हैं दोस्तों, उसके लिए कुछ ₹50 का चार्जेस करना होता है, वो आप किसी के भी जरिए आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, एक ऐसा ना रेफरेंस नंबर मिलता है जिसके जरिए आप जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपको रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ट्रैक करने के बाद आप जो है आपको नोटिस कर दिया जाता है, मैं नोटिफाई कर दिया जाता है एक मैसेज के जरिए कि आपका जो है अपडेट हो चुका है। और आपको जो है मैसेज के जरिए ही आता है आपको, और मेल भी आ जाता है आपको, जिससे और 5 से 6-7 दिन के अंदर आपका जो है अपडेट भी हो जाता है और आपके जो है एड्रेस पर सेंड भी कर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको नीचे किस तरीके से जो है प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों जो चेंजेस कर सकते हैं वो आप यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज एड्रेस चेंज कर सकते हैं, और मेल मोबाइल नंबर डाटा जो है आपको इसके साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो है चेंजेस हो पाएगा। तो चलिए हम जो है प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपको चेंजेस करना है तो उसी पे आप जो है क्लिक करिएगा। जैसे आपको नेम चेंज करना है तो नेम पर क्लिक करिएगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है तो डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करिएगा, जेंडर चेंज करना है तो जेंडर पर चेंज करिएगा, और एड्रेस चेंज करना है तो आप जो है एड्रेस पर चेंज करिएगा। तो फिलहाल मैं जो आपको जो है यहाँ पर जो आपको जो डेट और नेम पर कर, मैं आपको यहाँ पर नॉर्मली करके बता रहा हूँ, लेकिन अपना मेरा तो ऑलरेडी अपडेटेड है तो वो आपको मैं करके नहीं बताऊँगा अपना। मैं आप यहाँ पर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ पे आपको जो है क्लिक करके बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सो अपना नाम जो आपको शो होगा, यहाँ पर ओरिजिनल नाम जो आपका ऑलरेडी पहले से मैंसन है वो नाम शो होगा, और आप जो चेंजेस क्या चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप जो मैंसन कर देंगे। न्यू नेम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो है यहाँ पर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद दोस्तों उसके लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी उसके लिए देना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, पेंशन फोटो कार्ड है, फोटो बैंक एटीएम कार्ड है, फोटो क्रेडिट कार्ड है, कोई भी आपको वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, इसमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। लेकिन आपका जो है आप यहाँ पर जो नाम जो है वही नाम होना चाहिए जो आपके वोटर आईडी कार्ड में जो आप डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कराएंगे, सेम नाम उसी का एजिटेड
होना चाहिए। उसके बाद अपना यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट जो आप जो यहाँ पे अपडेट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, आप अपने जो सिस्टम से जो होना चाहिए वहाँ से आप डॉक्यूमेंट उठाने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे नेक पे कर देंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से जो डॉक्यूमेंट देखो आपको बताता हूँ, कोई भी मैं तो आपको एज एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जो है कोई एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे उसका नेक्ट कर देंगे। जैसे नेक्ट कर देंगे तो अगला स्टेप दोस्तों रहता है वो आपका रहता है पेमेंट का। जैसे आपको यहाँ पर जो मैंने नेम जो मेंशन नहीं किया था तो मैं आप फिलहाल जो अपना जो है नेम मेंशन कर देता हूँ। तो ये नेम हमारा गौरव और अगला जो गौरव जी आपका और बाइल डिपट लिख के आ जाता है आपको, जैसे आप हिंदी में ना ऑटोमेटिकली आपका ये लिख के आ जाएगा। तो ये वहाँ मुझे उस डॉक्यूमेंट एक बार फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ। डॉक्यूमेंट आपको जो है डॉक्यूमेंट देखो नो डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड फॉर अपलोड, तो आपको क्या है एक डॉक्यूमेंट को ही अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई एक डॉक्यूमेंट मैं सेलेक्ट करना है ऐसे ही लेकिन आपका डॉक्यूमेंट दोस्तों जो होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आपको जो बिना अगर आपकी फाइल PDF फॉर्मेट में नहीं है तो वो नहीं लेगा। सपोर्टेड देखो आपको नीचे उस वहाँ पर दे रखा भी है PNG PDF और JPEG, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में ही आपका होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी देखो एक मैं फाइल आपको उठा के दिखा देता हूँ, आप फाइल लेगा जैसे मैं यहाँ से कोई एक PDF फोटो उठा लेता हूँ, यहाँ पे आए हम और एक यहाँ से कोई PDF सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली ले लूँ मैं तो जैसे मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से कोई एक PDF सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप ये यहाँ पर कोई PDF सेलेक्ट करते हैं अगला स्टेप आपको जो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट दिन आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो अगला स्टेप आपको जो आएगा पेमेंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन मैंने जो गलत दिया ना सुबह से नहीं आया, तो आप यहाँ पर जो है पेमेंट का जैसे ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप जो है 50 रुपया पे करना, वो आप क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग वॉलेट और पेटीएम किसी के भी जरिए आप जो है अपना पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आप अपना पेमेंट कलेक्ट करते हैं अगला स्टेप जो देख सकते हैं यहाँ पर आप जो पेमेंट हिस्ट्री है यहाँ पर अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो है क्या क्या रिक्वेस्ट डाली है और कितनी आपने जो है पेमेंट की हुई है, तो वो आप यहाँ पर अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आप यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ हमने कोई पेमेंट किया हुआ है कि नहीं किया है। तो देखो अभी यहाँ पर देखो हमें कोई भी पेमेंट हिस्ट्री शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हमने रिसेंटली अभी कोई भी पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इसके वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।